हेलो फ्रेंड्स, सोचिए अगर हम आपसे कहें कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छोटे छोटे कीड़े जैसे रोबोट बना रही है। हाँ, बिल्कुल वैसी चीजें जो आपके बगीचे में घूमती हैं, लेकिन ये असली नहीं, मशीन है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये सुनकर दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, ये रोबोट कीड़े आखिर हैं क्या, क्यों बनाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनका कोई कनेक्शन हमारे या आपके देश से भी है? अगर आपको लगता है कि ये बस एक साइंस फिक्शन मूवी की बात है तो रुक जाइए, ये सच है। और आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है, काफी चौंकाने वाला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि MIT कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स काम करते हैं। और अब ये लोग कीड़े जैसे रोबोट क्यों बना रहे हैं? क्या ये कोई खिलौना है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? और हाँ, आपके देश में तो हम कीड़ों को देखकर बस झाड़ू उठा लेते हैं, लेकिन MIT वाले इन कीड़ों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? चलो एक एक करके सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, और देखिएगा इस वीडियो के आखिर तक आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि ये रोबोट कीड़े आखिर हैं क्या। दोस्तों, ये छोटे छोटे रोबोट हैं जो दिखने में बिल्कुल असली कीड़ों जैसे हैं। इनका साइज इतना छोटा है कि तुम इन्हें अपनी हथेली पर रख सकते हो, लेकिन इनके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इनमें कैमरे, सेंसर और यहां तक कि उड़ने की ताकत भी होती है। यानी ये ना सिर्फ दिखते हैं कीड़ों जैसे, बल्कि इनके काम भी बिल्कुल कीड़ों जैसे हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी मेहनत करके MIT वाले इन्हें क्यों बना रहे हैं? क्या ये बस मस्ती के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? दोस्तों, MIT के साइंटिस्ट्स का कहना है कि इन रोबोट कीड़ों को बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाने के लिए नहीं है, इसके पीछे कई बड़े बड़े मकसद हैं। पहला, पर्यावरण की निगरानी। सोचो, आपके देश में जंगल, नदियां और पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, लेकिन प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका बुरा हाल हो रहा है। इन रोबोट कीड़ों को जंगल में छोड़ा जा सकता है जहां ये हवा, पानी और मिट्टी की क्वालिटी चेक करेंगे। और खास बात, ये इतने छोटे हैं कि इन्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। जहां हमारी नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं, ऐसे रोबोट्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। दूसरा, डिजास्टर रिलीफ। याद है जब आपके देश में बाढ़ आई थी या भूस्खलन हुआ था, ऐसी जगहों पर इंसान और बड़े मशीनें पहुंच नहीं पाती, लेकिन ये छोटे रोबोट कीड़े ये आसानी से टूटी फूटी जगहों में जा सकते हैं, लोगों को ढूंढ सकते हैं और रेस्क्यू टीमें तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपके देश जैसे दूसरे और भी देशों में जहां हर साल बाढ़, भूकंप और चक्रवात आते हैं, ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकती है। तीसरा, फार्मिंग में मदद। दोस्तों, कीट पतंगों और बीमारियों की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इन रोबोट कीड़ों को खेतों में भेजा जा सकता है जहां ये फसलों की हालत चेक करेंगे, कीटों की जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि कहां पानी या खाद की जरूरत है। इससे हमारे किसान भाई ज्यादा पैदावार कर सकते हैं और लोगों का पेट हमेशा भरा रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि हम कीड़ों को देखकर ज्यादातर डरते हैं या भगाते हैं, है ना? लेकिन MIT की इस टेक्नोलॉजी को देखकर लगता है कि कीड़े भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इंसान की पहले से ही प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की परंपरा रही है, जैसे भारत जैसे देश में आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल या फिर पुराने वास्तुशास्त्र में प्रकृति से प्रेरणा। तो अगर MIT जैसे इंस्टीट्यूट कीड़ों से इंस्पायर होकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर दूसरे देशों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो सोचो हम दुनिया को कितना कुछ दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं। इन रोबोट कीड़ों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और ये बात हमें थोड़ा सावधान करती है। सोचो, ये रोबोट इतने छोटे हैं कि इन्हें कोई आसानी से नोटिस नहीं करेगा। अगर कोई इन्हें जासूसी के लिए यूज करे तो, मान लो कोई इनका इस्तेमाल किसी की पर्सनल लाइफ में तांक झांक करने के लिए करता है या फिर किसी कंपनी के सीक्रेट्स चुराने के लिए। हर एक देश में जहां प्राइवेसी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है,
ऐसी टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और सिर्फ पर्सनल प्राइवेसी ही नहीं, ये रोबोट्स तो सरकारी या कमर्शियल सीक्रेट्स को भी खतरे में डाल सकते हैं। MIT के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वो इनका यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए चाहते हैं, लेकिन दुनिया में हर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने का रिस्क तो रहता ही है। अब बात करते हैं मिलिट्री के एंगल की। ये रोबोट कीड़े मिलिट्री ऑन ऑपरेशंस में भी यूज हो सकते हैं, और ये बात थोड़ी डराने वाली है। मान लो कोई देश इन रोबोट्स को दुश्मन की सीमा में भेज दे, जहां ये चुपके से उनकी मिलिट्री बेस की जासूसी करें या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। और अगर इनमें छोटे मोटे हथियार फिट कर दिए जाएं, तो ये तो और भी खतरनाक हो सकते हैं। आजकल जहां बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, ऐसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं, अगर आतंकवादी संगठन इन रोबोट्स को अपने हाथों में ले लें तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले हमें इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बहुत मजबूत करना होगा, ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। हमें चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझें और इसे सही दिशा में यूज करें, ताकि ये हमारे लिए फायदा दे ना कि नुकसान। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि MIT के रोबोट कीड़े सिर्फ एक कूल आइडिया नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब बताओ, क्या आपको लगता है कि आपके देश में भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, या फिर क्या ये रोबोट कीड़े हमें डरा भी सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले वीडियो में हम और भी मजेदार और चौंकाने वाली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और हां, अगर आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हो तो हमारे चैनल को फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहो, क्योंकि भविष्य को समझना आज से शुरू होता है। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये हमारे सपनों और उम्मीदों की बात है। तो आइए मिलकर इस नए युग का हिस्सा बनें और अपने देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाएं। चलो, अब वक्त है अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने का, ताकि वो भी इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन दबाकर एक्टिव रखना, क्योंकि हम बार कुछ नया लाते हैं। तो तैयार हो जाओ भविष्य की सैर के लिए।